हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना खत्री आ गई हूँ एक धमाकेदार सी यू नो सीरीज के साथ आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों ने ब्रिजिटन सीरीज देखी है, उसका सीजन थर्ड आ चुका है ऑलरेडी। तो भाई जिन्होंने मतलब ये नाम सुने भी नहीं है और जो ब्रिजिटन सीरीज के बारे में नहीं जानता, उसके लिए मैं बता दूँ एक छोटा सा यू नो मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ या रिव्यू कह सकते हैं आप दे देती हूँ बिना किसी स्पॉइलर के, कि अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो तो आप देख सके। तो भाई बेसिकली ये एक रोमांटिक जैसी फैंटेसीज होती है ना, उस तरीके का ड्रामा है। ये रोमांटिक ड्रामा है एंड जैसे कि मतलब ब्रिटेन साइड मतलब अंग्रेजी लोग कैसे पहले के जमाने में कैसे मतलब शादी का क्या प्रोसीजर होता था उनका, उसी को काफी ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है इस सीरीज के दौरान। तो पहले दो जोड़े ब्रिजिटन एक फैमिली है, पहले उनके घर की सबसे बड़ी बेटी की शादी हुई इसमें, दूसरे वाले में उनके सबसे बड़े बेटे की शादी हुई। अब जो थर्ड है उसमें कोलिन एंड डेफनी मतलब उसके घर के मतलब वो 6-7 भाई बहन है, तो भाई मतलब बीच वाले की कोई इसी की शादी है ये, तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। 18 प्लस कंटेंट है, अगर आप 18 प्लस नहीं है तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी मतलब सजेस्ट नहीं करूंगी। ये सिर्फ यू नो ये एक अडल्ट सीरीज भी आप कह सकते हैं, यू नो फुली नहीं पर कुछ सीन है ऐसे कि भाई जो ये बात है राजा रानी के जमाने की, जब वहाँ पे राजा रानी मतलब जो भी ये राजा रानी वाली ये सिस्टम चलते थे उस टाइम की बात है, काफ़ी पुरानी यू नो इरा को दिखाया गया उसमें कि उस टाइम पे जो अंग्रेजी लोग थे वो कैसे शादी करते थे। तो इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि वो अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चूज करते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया और कितना प्रेशर लड़कों के ऊपर लड़कियों के ऊपर होता है। तो भाई यही कुछ एक्सप्लेन किया गया है इसमें। इसके जो थर्ड सीजन में है वो कोलिन एंड पेनेलोपी के ऊपर, जिसने देखी होगी उनको पता है ये दोनों कौन है। तो उन दोनों की यू नो शादी होने वाली है इस सीजन में, एक्चुअली हो चुकी है, पहले 4 एपिसोड आए, अब काफी दिन के बाद फिर 4 एपिसोड, टोटली 8 एपिसोड है इसमें, एक एक घंटे के ड्यूरेशन में है। एंड मतलब पैनल भी थोड़ी मोटी सी लड़की होती है एंड कोलिन काफी हैंडसम है, एक ऊंचे घराने का लड़का, तो काफी मतलब पैनलोपी का हिसाब भाई कुछ ऐसे है कि जैसे कि सो कॉल्ड सोसाइटी में टैबू कर दिया जाता है कि इनकी तो शादी नहीं होगी, ये है वो है। कोलिन भी कुछ हद तक यू नो पहले इस चीज को काफी एंबैरेसमेंट समझता था। उसके साथ एक और साइड बाय साइड दो और करेक्टर्स की स्टोरी दिखाई जाती है, वो मेरे को कुछ ना कुछ खास मतलब उस पर नजर नहीं गई अब की बार, क्योंकि ये पूरा सीजन कोलिन एंड पैनलोपी पे ही बेस्ड था, तो इसी पे ज्यादा यू नो एम्फसाइज दिया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया पैनलोपी की सिचुएशन के बारे में, तो कोलिन भी कहीं ना कहीं पहले इसको एम्बेसमेंट समझता था, जो पहले के सीजन में बताया गया था, जो लास्ट एपिसोड जो मतलब जो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि जो कोलिन है वो जर्मनी क्या पेरिस मतलब पूरी कहीं कहीं घूमने गया, ऑल ओवर एक वर्ल्ड टूर करना चाहता था वो, तो उसी के लिए जाना चाहता था। लेकिन उससे पहले वो अपने कुछ दोस्तों से पैनलोपी के बारे में बात करता था एंड वो सुन लिया वो कन्वर्सेशन पैनलोपी ने, उसने वहाँ कहा कि यू नो मैं उससे मेरा उससे कोई मतलब एक मतलब शर्मिंदगी सी महसूस करते हुए उसको ये बोला कि पैनलोपी के साथ मेरा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात सुनकर पैनलोपी काफी अच्छी दोस्त थी पहले उसकी, तो उसको काफी हर्ट हुआ एंड उसने अपने सारे जो रिश्ते नाते थे बेसिकली उस वहाँ तोड़ दिए उससे। लेकिन थर्ड सीजन में उनकी लव स्टोरी का एंगल दिखाया गया है। अब कोलिन देश दूर दूर देश तक घूम के आ चुका है, अब कैसे क्या ये स्टोरी रहेगी और पैनलोपी क्या माफ कर देगी और एक सबसे बड़ा लेडी विसल डाउन का सच अभी बाहर आना बाकी है, तो क्या कुछ होने वाला वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है। तो बेसिकली कुल मिला के यू नो पर मैंने एक चीज देखी है कि वहां पे मतलब जैसे सीरीज में दिखाया गया है वो किसी चीज को इतना ज्यादा जैसे कि इंडिया में दिखाया जाए अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो इंडियन सीरीज में, वो कुछ फैमिली बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है कि भाई लड़की मोटी है या लड़का काला है या मतलब इन सब चीजों पर बड़ा मतलब उनका जोर रहता है। लेकिन उन सीरीज में ये दिखाया गया कि उनकी फैमिली खुश है, उनके डिसीजन से खुश है, अगर वो दोनों प्यार करते हैं तो सब सही है। बस हाँ एक स्टेटस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे कि स्टेटस इक्वल रहना चाहिए बस, अदरवाइज अगर सामने वाला कैसा भी लग रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यू नो थोड़ा स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए, उस चीज़ से थोड़ा फर्क है। अगर स्टेटस में गड़बड़ी हो जाए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है उनमें, अदरवाइज फैमिली बड़ी कोऑपरेटिव दिखाई गई है सीरीज में। तो मेरे को तो काफी सही लगा एपिसोड, काफी सही लगा सीजन, मतलब शुरू के जो 4 एपिसोड थे वो तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे, ये था कि भाई पता नहीं क्या 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 ही होने वाला है। एंड लास्ट के 4 एपिसोड थोड़े डर लगे मेरे को लगा कि प्रिडिक्ट किया जा सकती थी ये स्टोरी, ये और भी मतलब और भी एक्साइटिंग हो सकती थी, लेकिन उतनी एक्साइटिंग हो नहीं पाई। आई डोंट नो मतलब वैसे अच्छी थी पर मेरे को थोड़े से लास्ट के जो 4 एपिसोड थोड़े से डर लगे, तो बाकी सब सही था एंड काफी क्यूट लव स्टोरी थी कोलिन एंड पेनलोपी की। तो मैं सही बताऊं मैं नेक्स्ट सीजन के लिए भी एक्साइटेड हूं, पता नहीं आएगा या नहीं, शायद आसार तो है आने के, पर देखते हैं अब क्या कुछ रहने वाला, क्योंकि अभी रहते हैं 2-3 करेक्टर्स में शादी के लिए। तो भाई कुल मिला के काफी प्यारी सी लव स्टोरी है, इसका फर्स्ट सीजन भी काफी सही लगा मेरे को। बीच वाला यो इंडियन लड़की थी बीच वाले में, पता नहीं क्या नाम था उसका, शर्मा गोत था आई थिंक, मतलब ब्राह्मण की लड़की थी, शर्मा जी की लड़की, दूसरे देश भी जा चुकी और उस जमाने की मूवी है ये, तो मतलब काफी सही लगा। इंडियन मतलब एक इंडियन एंगल भी दिखाया गया उसमें, जो सेकंड सीजन है वो भी ठीक था, मतलब मेरे को इतना ठीक मतलब सही नहीं लगा पर ठीक था। लेकिन पैनलोपी वाला भी अच्छा है, तो फर्स्ट मतलब थर्ड सीजन थोड़ा मेरा फेवरेट है, बीच वाला भी सही है, आप देख सकते हो आपको इंटरेस्ट आएगा काफी ज्यादा। एक सीजन देख लो, अगले तक आप अपने आप चले जाओगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप सीधा थर्ड सीजन पे जाना चाहते हो तो चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी शुरू में समझने के लिए, लेकिन समझ ही लोगे अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, अगर और अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो समझ ही जाओगे। ब्रिजिटन एक पोस्ट है वहां पे जहां पे मतलब एक स्टेटस है, एक
एक स्टेटस दिया जाता है राजा रानी द्वारा, तो उसी के स्टेटस के लोग हैं एंड उन्हीं के बीच में मतलब सबको कोई ना कोई वहाँ पे ओहदा मिला होता है, तो उसी के ऊपर है सारी की सारी सीरीज एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 18 प्लस है, मैं बार बार में कह रही हूँ, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो प्लीज मत देखना, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, 18 साल के बाद देखना एंड यू नो। तो गाइज ये था रिव्यू, आई होप आपको रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी धमाकेदार सी या फिर कोई और सीरीज है या कुछ और है तो फटाफट से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको यू नो मेरी रिव्यू वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक से सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।